एक तो गुंडागर्दी खत्म कर दी बाबा, गुंडागर्दी खत्म हो गई? नहीं हुई जी, नहीं हुई, नहीं हुई, नहीं हुई। बाबा आपके सामने बैठे हैं, वो कह रहे कि नहीं हुई है। क्यों ना हुई? डांग के पढ़ा करते काम में, पहले तो ना पढ़ते डांग के, पहले देख रहे थे, पहले तो ना पढ़ते। मुलायम की सरकार आज पहले देंगे हम, ये कहते पेंशन खत्म। मैं जो अपने यहाँ काम भेजे अपनी पेंशन बांध रही, कह रहे कि ज्यादा लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। क्या बोला इस सरकार को? अच्छा, ब्राह्मणों से आप लोग पंडित हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं हुई? सरकारी नौकरी इतनी थोड़ी है जो सभी मिल जाएगी, तो प्राइवेट भी नौकरी करनी पड़ेगी। तो खुश एकदम परफेक्ट मिली, मिली कैंसिल कर लग रही सरकार, कहां से मिलेगी? तो हमारी चुनाव यात्रा यूपी के अलग अलग इलाकों में जाकर लोगों का सियासी मिजाज टटोलने की कोशिश कर रही है। और आज हम लोग निकले हैं तो जो वेस्टर्न यूपी है, पश्चिमी यूपी, वहां की यात्रा कर रहे हैं। और बागपत की सीट पर लदवाणी नाम का गांव, क्या नाम का? लदवाड़ी। तो लदवाड़ी गांव में है और यहां पर एक महफिल सजी हुई है। अक्सर अमूमन जब आप गांव में जाएंगे तो दिन भर खेत कार जो काम है वो करने के बाद लोग लौटते हैं, तो मनोरंजन का साधन होता है इस तरह का। हुक्का भी होता है, हुक्का नहीं पीते आप लोग? जी हुक्का भी है, हुक्का भी है जी। अच्छा, 17,000 का हुक्का बनवा दी। अच्छा, तो ये जो ताश है ये कौन सा गेम खेल रहे हैं? शीप खेल रहे जी। शीप खेल रहे हैं? तो दिन में कितने घंटे खेलते हैं? अरे खेले तो 2.5 घंटे खेल ले। अच्छा, और टाइम पास हो जाए? टाइम पास हो जाए, 3 बजे तक खेल ले। 3 बजे तक खेल ले। तो काम वाम भी करते हैं? काम भी करते हैं। क्या काम करते हैं? खेती बाड़ी का काम भी। खेती? खेती करते हैं। आपकी जमीन है? जमीन है थोड़ी जी। क्या फसल बो रखी है अभी? ईख है जी। ईख? गन्ना? गन्ना, गन्ना। हाँ पता है, मैं ईख भी समझ गया। गन्ना है तो गन्ना तो बड़ा चुनावी मुद्दा है जी। वो कह रहे दाम नहीं मिलता, बकाया कई साल का बचा हुआ मील में गन्ना डालाते हैं बट वो पैसे नहीं देते। तो आपका मिल गया? हाँ जी मिलेगा जी, हमारा तो गन्ना मिलेगा जी। गन्ने का दाम मिल गया जी? मिलेगा जी। अच्छा, कितना कौन से साल का बचा हुआ है? पिछले साल का रह रहा जी, कुछ मलकपुर मील पे। मलकपुर पे तो एक साल तक पैसा नहीं मिलता? मलकपुर मील पैसा नहीं देता जी, कम दे वो तो। पैसा मिलता नहीं? हाँ जी मिला पैसा जी, कम दे। ये मील प्राइवेट मील है ना? ये प्राइवेट मील है, सरकारी मील? सरकारी मील है बागपत जी। ये प्राइवेट अच्छा करता है। तो उधर क्यों नहीं जाते फिर आप? है जी, वहाँ क्यों नहीं जाते देने? है जी, मेरी जमीन लुवारी है कुछ। अच्छा, दूर पड़ता है? हाँ जी हाँ, दूर पड़ता है। अच्छा, आपका नाम क्या भाई साहब? जगराम। जगराम, ये ताश खेलने के अलावा क्या काम करते हैं? गाड़ी चलाते हैं जी। ड्राइवर हैं? हाँ जी। अपनी चलाते हैं कि किसी और के? अपनी चला रहे थे। अपनी? हाँ जी। तो अभी मिल जाती है सवारी वगैरह? हाँ, सवारी बतेरी मिल जाए। तो आज नहीं गए काम पे? आज नहीं गए जी, जाएंगे 11 बजे से। 11-12 बजे? हाँ, बुक का काम है। काम के आदमी बुकिंग कर लेते हैं, कहीं चले जाते हैं जी। अच्छा, तो कैसे, डीजल से चलती पेट्रोल से? CNG से। CNG से? CNG के भी दाम बढ़ गए, महंगी हो गई। कितनी हो गई अभी CNG? 64 रुपया। पहले कितने में थी? 47 थी जी। 47 से 64 बढ़ा दिया है, तो फिर वो ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता होगा? हाँ जी, ज्यादा हो जाए। और फिर लोग वो आपको उतनी सवारी का पैसा देते हैं? हाँ जी। ये नहीं करते कि महंगा तुम ज्यादा बढ़ा दे? जैसे डीजल में बताया सही महंगा बता दे इनको। अच्छा, तो इतना ये महंगाई से परेशान होते हैं थोड़ा बहुत? हाँ, महंगाई तो परेशान है सब जी। समय महंगाई तो परेशान। तो महंगाई योगी राज में बढ़ गई कि घट गई? बढ़ गई जी, बढ़ गई। महंगाई बढ़ा दी? बढ़ा दी योगी सरकार ने। महंगाई बढ़ा दी, बढ़ेगी तो महंगाई, बढ़ेगी नहीं तो। इधर आइए आप थोड़ा सा। क्या पब्लिक बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ेगी? जो पब्लिक बढ़ेगी तो महंगाई भी बढ़ेगी जी। हाँ, नहीं तो पब्लिक घटनी शुरू हो जाएगी, महंगाई घटनी शुरू। कैसे घटाएं पब्लिक? पब्लिक को कैसे घटाएं? बड़े बड़े कहते हैं 100 साल हाट बढ़ता है और 100 साल काट बढ़ता है, तो ये हाट का टाइम आ रहा है हाट घटने का। कोरोना में तो बहुत घट गए ना लोग, बहुत सारे मरे लोग, घटे कम हुई ना संख्या? इतने नहीं घटे जी, जितने घटने चाहिए। क्या कह रहे हैं बाबा आप बताइए? मैं कह रहा हूँ आदमी बहुत घटे, आप गए और महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है। वो कह रहे हैं कि ज्यादा लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, क्या बोला इस सरकार को? अच्छा, ब्राह्मणों से आप लोग पंडित हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं हुई है बाबा? कोई परेशानी नहीं, सब मंगल? नहीं, ये परेशानी खूब ज्यादा हर चीज की है, महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि हर आदमी परेशान है।
कुछ भी मांगा हर चीज को जाओगे पैसे इतने देंगे। आदमी परेशान है हर आदमी, ये सरकार जो है कब का आपकी उम्र कितनी है बाबा? 80 साल। 80 साल तो आप तो इतनी सरकारें देखी आपने हैं? किसी सरकार ने देखी ये सरकार के बारे में क्या कहा? देखी नहीं आज तक हमने, ऐसी सरकार देखी नहीं है। अच्छी की बुरी? बुरी। अच्छा बुरी नहीं देखी। यानी देखो ये कहते हैं पेंशन खत्म, वो मैं जो अपने यहाँ तो हम भेजे अपनी पेंशन बांध रही बताइए है कानून ये अपनी पेंशन हार जा पेंशन जी जा पेंशन मुझे हम लोगों की पेंशन खत्म हमारे बच्चों की सरकार है ये। वाजपेयी सरकार ने घटा खत्म करी थी जब वाजपेयी प्रधानमंत्री थे ना, अटल बिहारी वाजपेयी 99 में जो प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने सबकी खत्म कर दी थी पेंशन, सरकारी अफसरों को नहीं मिलती अभी तो गलत है काम जी, लेकिन सांसदों को मिलती है विधायकों को मिलती है। गलत है ना, तो वो गलत है जी, जो सांसदों को मिले गलत है वो, अपने हमारे जो घटा रहे हैं और अपने बांध रहे कोई बढ़िया सरकार है ये। नोटबंदी बैंक जो मेहरबानी मारी रुका लोगों ने पैसे बिगड़ बिगड़ के उनके उर्दू के खराब हो गए वो। अब भी मरे बयानी में ऐसे हैं पैसे जो 2000 रुपये पड़े मकानों में, अब भी क्या क्या है कागज है तो पुराने नोट हा? मिल जाए अनाज की बोरी में से निकल गए छुपा के रखे हम भूल गए हम भूल गए 2000 रुपये पड़े, अब कागज तो क्या करें उनका घर के भूल गया आदमी कागज तो क्या किया जाए सरकार है। तो फिर आप मुझे ये बताइए कि योगी सरकार अच्छी नहीं लगती तो कौन 22 में किसको बनाएंगे? योगी सरकार का नहीं, हमें तो केंद्र सरकार का वो है, केंद्र जो है गलत काम करी सर मोदी सरकार। हाँ बिल्कुल मोदी सरकार गलत, उससे कोई काम बढ़िया नहीं हो रहा। मोदी जी कह रहे हैं कि हमने तो पाकिस्तान को सबक सिखा दिया, चीन को सबक सिखा दिया, कितना अच्छा काम कर दिया। बढ़ रहा चीन आगे बढ़ रहा, कुछ सुनता ना है, हम अखबार पढ़े हैं कि चीन ने वहाँ जा लिया और रास्ता बना रहा, बताओ क्या सरकार है फिर? मतलब सरकार ये कि सब प्राइवेट दे रहा, सब प्राइवेट को ये सरकार प्राइवेट रेल भी प्राइवेट हो रहा है, सब प्राइवेट दे रहा। ये प्राइवेट तो किसने करी थी? इन्होंने नहीं करी। किसने करी? और किसने करी थी ये कहा उसने उसने राजीव गांधी ने रखी है, ये बिजली भी सब प्राइवेट कर रखी हुई पहले, ये सब कानून है नहीं, मूल अभाव जी करते उन्होंने करी थी तो ये कानून बदल सकते हैं ना? बदल सकते जी, क्यों नहीं बदल सकते? संसद में क्या करेंगे? पहला विधायक पास जो प्रधानमंत्री पास करेगा उसे नहीं करे। नरेंद्र मोदी ने 3 कृषि कानून बनाए, अभी कानून बनाए, भारत में एक संसद है उसमें जो सांसद होते हैं ना वो वोट करते हैं, कोई भी कानून बना सकते हैं, वो चाहे तो कुछ भी बदल सकते हैं, तो अभी बदल दिए 3 कानून वापस ले लिए, तो फिर आप ये क्यों कह रहे कि नहीं बदल सकते? तो बदलना भी चाहिए बाबू जी, भी बदलते तो नहीं? हाँ जी बदलते तो नहीं है। आपको किसने बताई ये बात की राजीव गांधी ने प्राइवेट किया? पहला जी ये खंबे गड़े जी गांव में नुके लगे नुके, ये तो उसकी योजना क्या है? हाँ तो योजना प्राइवेट थी तो क्या है, गढ़ते सरकारी थी तभी तो खंबे गड़े। ठेकेदारी सब कुछ ठेके पे, रेल ठेके पे, जहाज ठेके पे, बैंक ठेके पे, अस्पताल ठेके पे, तो क्या करें जा परेशान है हर इंसान। तो आपके यहाँ पे ये बताइए योगी सरकार के वोट जाएंगे उनको मुख्यमंत्री बना रहे हैं आप? दूसरी बात जी योगी को मुख्यमंत्री बना रहे हैं अजी, समय बताओगा ये तो ये तो बताओगा समय जी, पर जाते यहाँ वोट जो है अदम सुधी वोट, लेकिन लोग तो ज्यादा वोट है जी भाजपा जी। तो RLD की वोट पिछली बार तो आपने उनको बेचारे को इतनी बुरी तरह हरा दिया, वोट दिए नहीं उनको, एक विधायक जीता छपरौली से वो भी बाद में बीजेपी में चला गया जी। इस बार फिर क्या हमदर्दी है उनके साथ में? ना जी हमदर्दी तो है सब सरकार की, गैल भी हमदर्दी सब गैल हमदर्दी बचत मान तो ये आप तो ये नेता हैं क्या? ये नेताओं की तरह बात कर रहे हैं कि उनके भी आपको बताना पड़ेगा। देखिए हमारे दर्शक जो देखेंगे वीडियो को उसको पता होना चाहिए कि आपके यहाँ लडवानी गाँव में क्या चल रहा है, माहौल क्या है, किसका माहौल है ये बताइए जी? लोकदल का है जी, लोकदल का जी। तो अजीत सिंह नहीं रहे हैं साथ, उनकी मौत हो गई, तो इधर के जो जाट वोटर हैं बाकी जो दूसरे वोटर हैं हमदर्दी करेंगे? हाँ जी बहुत है जी। बाबा हमदर्दी करेंगे अजीत सिंह के बेटे जयंत चौधरी के साथ में? हाँ क्यों नहीं, हम तो उनके साथ पहले से रहे हैं, उनके बाबा के साथ रहे हैं, तो तब कैसे लड़ सके? आपने अजीत सिंह और चरण सिंह जो उनके प्रधानमंत्री भी बने थे वो भी देखे? देखे
देखिए रहे थे पास नहीं, ऐसी बात नहीं, चपरौली से ही जाते थे वो। चपरौली से जीते थे तो उनकी कुछ याद है, कोई किस्से कहानियां याद है? बिके जी बड़े सबसे पहले उन्होंने, और एकदम चीफ मिनिस्टर बन गए थे वो, प्रधानमंत्री बने थे, प्राइम मिनिस्टर, एक दिन के चीफ मिनिस्टर भी रहे। उन्होंने तो किराले जो पटवारी थे नी, उनको बस बढ़ाई दे जाओ गुरु, ऐसे ऐसे काम करेंगे, सच्चे ईमानदार आदमी थे वो। आप लोग भी आ जाइए, जो जिसको बात करनी आ जाओ यार, बात बताइए आपके बारे में। अच्छा, योगी सरकार जो है वो कह रही है, दिल्ली में जब हम लोग आए तो बहुत बड़े बड़े ऐसे पोस्टर लगाए उन्होंने, वो कह रहे हैं कि हमने जो है ना 4 लाख लड़कों को लड़कियों को सरकारी नौकरी दे दी और बहुत अच्छा काम कर दिया, उत्तम प्रदेश बना दिया, उत्तम प्रदेश। युवा दुखी है जी, नौकरी नहीं, नौकरी नहीं है बच्चों की, नौकरी कम है, नौकरी नहीं। आप कैमरे पे बोलेंगे तो समझ में आएगा, उधर वीडियो में आवाज नहीं जाएगी आपकी, आपको इस पे बोलना पड़ेगा। क्या बोल रहे हम? कुछ नहीं कहा, बकवास है जी, हम तो मजदूर आदमी है जी, पर योगी को वोट देंगे जरूर। आप योगी को वोट? बिल्कुल देंगे। योगी का कोई एक काम बताइए कि इसलिए वोट देंगे? काम को मकानी हम वोट भाजपा को ही देते आए पहले थे। ये तो मतलब कोई बात नहीं हुई, आप ये तो बताइए। एक तो गुंडागर्दी खत्म कर दी बाबा, गुंडागर्दी खत्म हो गई? नहीं हुई जी, नहीं हुई, नहीं हुई, नहीं हुई। बाबा आपके सामने बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं हुई है। क्यों ना हुई? डंग के पड़े करते काम में, पहले तो ना पढ़ते डंग के, पहले देख रहे थे, पहले तो ना पढ़ते, मुलायम की सरकार आ जाओ पहले देंगे हम, जो मुलायम की सरकार आ गई तो पहले देंगे हम। अरे इस सरकार में 100,000 आराम से हम अपने करूँ। एक जो अपराध होते हैं ना, जब ऐसे कोई क्राइम होता है तो उसका ना डेटा दर्ज करते हैं, आंकड़े दर्ज होते हैं कि कहाँ कितनी हत्या होगी, कहाँ कितनी लूट होगी, उसको दर्ज करने का काम होता है NCRB, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। दिल्ली में एक दफ्तर है जो सबका रिकॉर्ड करता है, वो उसकी रिपोर्ट कहती है कि यूपी में बढ़ गया अपराध, ज्यादा हो गए यहाँ पे, वो कह रहे हैं बढ़ गया, कम नहीं हुआ। बाबू जी बैठा नहीं तो वो झूठ बोल रहे हैं, झूठ नू बोल रहे हैं। हमारे अंकों देखो पहला में पहरे देने पड़े थे जब उसकी मुलायम की सरकार थी, अरे पहरे तो नहीं देते हम, हमने तो यू अनुमान लगा, अनपढ़ आदमी हम तो। तो आपको लगता है अच्छा काम हुआ? अच्छा काम है, अच्छा काम हुआ। तो बाबा इधर आओ यार, वहां से मैं कैसे सुनूंगा, इधर आके बैठो मेरे बगल में, यहाँ आके इतनी बढ़िया महफिल चल रही है, बातें चल रही हैं। ये देखिए योगी जी के इतने पक्के समर्थक हैं, ये योगी जी से मुलाकात हुई कभी? ना हुई नहीं मारी जी, ना हुई नहीं। एक दिन चलो लखनऊ, हमारी गाड़ी में बैठो, हम आपको लखनऊ ले चलते हैं। चलेंगे जी बाबा जी, बिल्कुल योगी जी से मिलवाते हैं। हां बस मेरे भी गंजे आदमी है। अच्छा, मेरे भी सफेद बाल है बाबा जी। आपके है? हमारे तो है ही नहीं, तो सफेद आ रहे। तो बाबा वो कह रहे हैं, मैं कुछ महिलाओं से बात कर रहा था उधर गोरखपुर की तरफ, तो वो कह रही थी कि योगी जो है ना, ये ना तो इसको घर है, ना इसके बाहर है, ना बालक बच्चे हैं, तो इसने हमारी तकलीफ का बेरा कौन ही, इसने पता ना हमारी तकलीफ का। सही कह रहा हूँ, गलत थोड़ा कहा, ऐसे हमारे प्रधानमंत्री जी है, ना उनका परिवार है ना कुछ है, देश का प्रधानमंत्री है। वो जो सिलेंडर दिए थे ना, बहुत सारे लोग उसको दोबारा भरवा नहीं पाए क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है, काम धंधा नहीं है। नहीं जी पैसे नहीं है, गैस सिलेंडर के दाम देने बढ़ गए कि जो अच्छा वाला वो भी ना खरीद पा रहा। गैस है आपके घर में? गैस, गैस चूल्हा कैसे? वो सरकार ने दिया कि आप खरीदे? सरकार ने दिया, सरकार ने दिया जी। तो भरवा लेते हैं अभी सिलेंडर बाबू जी, भरवा ले जी, बहुत हो जी, भरवा ले, नहीं तो अपना अपना भैंस ले, अपना गोबर पाथर उसके उपले बनाकर अपना रोटी पोले। हाँ तो अभी सिलेंडर कितने का हो गया है? साढ़े नौ सौ रुपए का जी। 950 रुपए का हो गया। तो पहले जो सब्सिडी मिलती थी सिलेंडर पे, कुछ पैसे सरकार देती थी और कुछ हम लोग देते थे, और फिर वो सस्ता मिलता था, है ना? तो योगी जी और मोदी जी बंद कर दिए, तो बुरा नहीं लगता? नहीं बुरा तो लगे जी, पर बुरा लगने से क्या फायदा होगा हमारा ना बताओ, फायदा क्या होगा ना बता दो। तो फायदा तो अभी वोट देके भी नहीं हुआ ना आपको बाबू जी? बात सुनो, वो तो वोट घरों रखनी चाहिए, तो वोट ऐसी चीज है नहीं जो मतलब अपने घरों रख लेंगे, देनी चाहिए वोट तो, वोट देनी चाहिए, लेकिन जो सरकार आपकी भलाई का काम करेगी।
कि मान लिया आपकी महंगाई कम कर दी, आपका घर परिवार दे दिया, आपको रोजी रोजगार दे दिया, कानून व्यवस्था अच्छी होगी, तो यही तो देख के वोट करेंगे ना आप? देख के यह तो बात ठीक हो आप है, पर हमें एक बात तो बताओ जी, हम तड़के का सांझ ना मजदूरी पे जाएंगे और हम फिर सांझ को चल बाते राज नंबर है पैरे का पैरा देंगे है? उस पे रहता तो पंडा छूट रहा हमारा इस सरकार ना, लग रही नू वोट देंगे रोड अच्छे बना दिए, ये बात रोड अच्छे रोड अखिलेश सरकार में रोड नहीं बने। तो फिर अखिलेश के साथ ही आपके चौधरी साहब हैं जयंत चौधरी, जब उन्होंने कुछ काम नहीं किया, रोड नहीं बनाया, तो फिर उनको वोट क्यों दे रहे हैं? बस ये रहना पड़े गैल बड़ू को तो बिड्डू का रहना पड़े वो रहना पड़े, बट आप ये भी तो देखेंगे ना, काम भी तो देखेंगे, वोट क्यों दे रहे हैं? इसका बाबा सच्चा ईमानदार था, तो बाबा के नाम पे वोट मिलेंगे, बाबा के नाम पे, छोरा छोरे के नाम पे है? जो जयंत है, जयंत भी है, इसकी बहुत जो वोट मिले बाबा के हिसाब से, क्योंकि बाबा सच्चा ईमानदार 5-27 दिन रह गया वो, ये सब इंदिरा की मेहरबानी जो वो आप समर्थन दे दिया फिर वापस ले लिया। अगर वापस चाचा कह दी इंदिरा गांधी, अगर चाचा मानते समर्थन दे के देखते कम से कम 6 वर्ष प्रधानमंत्री भी खा गए, क्या प्रधानमंत्री बताता है सच्चाई मानते। ये जैसे मुलायम सिंह के बारे में कह रहे हैं कि वो उनके राज में इनको पैरा देना पड़ता था, इनको तकलीफ होती थी, अब नहीं देते ये पैरा और ठीक हो गया इनका काम, तो उनके बेटे अखिलेश यादव, उन्हीं के साथ आपके जयंत चौधरी गए हुए हैं, तो अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, जयंत चौधरी तो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, डिप्टी सीएम बन जाएंगे ज्यादा से ज्यादा, तो आप फिर जाएंगे अखिलेश के नाम पे वोट दे रहे हैं या सिर्फ आप जयंत चौधरी के नाम? जयंत चौधरी के हिसाब से वोट देंगे, मुख्यमंत्री के तौर पे अखिलेश पसंद नहीं आपको? ना ना नहीं, जयंत के साथ रहेंगे हम, तो ये वोट जयंत के नाम, जयंत के नाम से देंगे मुख्यमंत्री नहीं, उनको नाम देना है चौधरी साहब के वोट है, जयंत के नाम से नहीं है। तो आप लोग वोट इसलिए देते हैं कि वो जाट हैं? नहीं, सिर्फ उनका बाबा जो इतना बड़ी आदमी था, हमें आर्थिक निंदा, उनका भेदभाव नहीं करा बिरादरी में, किसानों का काम करते थे, किसान नेता रहे। तो अभी किसान जो 3 कृषि कानून लेके बैठे हुए थे वो मोदी जी वापस ले लिए, अब चुनाव आने वाले ना आपके यूपी के, तो उससे आप लोगों का ये मन बदला कि भाई कानून वापस हो गए हैं, तो अभी हम जो है वोट करें? सुनो तो किसान बैठे थे धरने में, तो एक बात उन्होंने क्यों ना कही, ये तो कृषि कानून की बात अट गए, ये युवा घूम रहे ने नौकरी क्यों ना दी, यो क्यों नहीं करा उन्होंने, ये तो काम ना करवा होता वहां भी, किसी को किसान लड़ रहे, वे युवा घूम रहे, इन्हें नौकरी नहीं मिल रही, दुखी हो रहे, प्राइवेट कंपनी और 6 महीने तक पहले निकाल दे रहे, तो नौकरी जरूरी थी, तो इन्हें बात वहां धरनी चाहिए थी किसानों को, नौकरी जरूरी थी किसान को, अड़े रहे किसान, तो उसमें नौकरी अभी इतनी ज्यादा नहीं मिली आपके बच्चों को? नहीं जी, प्राइवेट करे बच्चे नौकरी मारे, कंपनी में कर रहे। आप क्या काम करते हैं? खेती का करे जी, खेती, आपके पास खेत है? हाँ, बस ऐसी अपनी गुजारे जो की है, 1-2 बीघा और जी, उसमें गुजारा कर ले, कुछ मजदूरी कर ले अपना, तो वो काम करते हैं, उससे गुजारा हो जाता है। हाँ, और बच्चे कंपनी में लग रहे का, कंपनी में प्राइवेट में के मिले 8-9 हजार रुपए मिले, उनमें पूरा नहीं पड़ता, बच्चे नौकरी नहीं दिए योगी? ना ना जी। तो आपका सिर्फ कानून व्यवस्था के मसले पे आपको रात को पैरा नहीं देना पड़ता, इसलिए वोट देंगे? ये यार कुछ युवा लोग भी आप आ जाएं बात करने के लिए, जो नौजवान हैं, या मैं ही आ जाता हूँ आप लोगों के पास में वो कुछ नौजवानों से भी हम लोग बात करते हैं, पूछते हैं। इधर आओ भाई, क्या नाम है? अरे नाम बताओ, क्या नाम है? राहुल शर्मा। राहुल शर्मा नाम है, अट्टा कट्टा नौजवान भाग रहा था कैमरा देख के, क्या करते हैं राहुल? नौकरी कराए जी। क्या काम करते भाई? रामाड़ा मिल में, शुगर मिल में। सरकारी नौकरी है? नहीं जी। और अभी तो कॉन्ट्रैक्ट में है। कॉन्ट्रैक्ट पे, तो क्या काम करना पड़ता है वहाँ? अंदर ऑटोमेशन का काम है जी। ऑटोमेशन का, मशीन वशीन चलानी पड़ती है? अच्छा, तो सरकारी नौकरी नहीं मिली? सरकारी नहीं मिली जी, प्राइवेट में लग गए, प्राइवेट भी ठीक है। क्या पढ़ाई की राहुल आप? पॉलिटेक्निक करी थी इसके बाद। पॉलिटेक्निक करी थी, तो पॉलिटेक्निक के बाद में गवर्नमेंट जो जॉब्स निकलती हैं उसमें अप्लाई किया कभी? पेपर वेपर दिया कोई? हाँ जी किया था, मैं फिर प्राइवेट ही लग गई थी, सरकारी में नंबर नहीं आता सामान्य। तो योगी जी उधर पोस्टर लगाए, कह रहे हम 4 लाख आप जैसे लड़कों लड़कियों को जो है नौकरियां दिए हैं, तो दिए हैं? हाँ जी दी होगी, ऐसे तो पोस्टर लगते नहीं। तो आपको कहे नहीं हुई? कोई बात नहीं, जब सामान्य हमारा नंबर नहीं आया तो प्राइवेट मिल गई, सब सरकारी नौकरी थोड़ी। हैप्पी
उधर कितने घंटे काम करने पड़े? 8 घंटे। 8 घंटे। और पैसा कितना मिलता है? अभी तो जी 16,000 रुपया था, अभी तो स्टार्टिंग है, 2 साल हुए हैं। और सरकारी करते तो कितना मिलता? नहीं जी, प्राइवेट में भी ऊपर पहुंच जाएगा 4-5 साल में। तो तुम प्राइवेट ही रहोगे? कोई बात नहीं जी, प्राइवेट तुम्हारा मन है कि मतलब प्राइवेट ही करोगे? नहीं जी, प्राइवेट में ठीक पैसा मिल रहा है तो प्राइवेट ठीक है। वैसे सरकारी नौकरी चाहिए ना? सरकारी में प्राइवेट तो करना चाहिए कि नहीं चाहिए ये बताओ। नहीं जी, सरकारी नौकरी तो जब सभी थोड़ी मिलेगी, प्राइवेट भी तो उनको चाहिए ना, पढ़ाई की है पॉलिटेक्निक। हाँ जी, अगर लंबर आओगे ठीक है ना, तो प्राइवेट अपने कर ही रहे। सर वोट किसको दोगे? वोट बीजेपी को देंगे। नौकरी तो दिए नहीं आपको? नहीं जी, बीजेपी की वजह से नौकरी है, योगी ने बनवाया था, रामवाला मिल की पैराइस दुगनी करवाई थी, तो सारे बनवा के प्राइवेट कर दें, सरकारी नौकरी खत्म। अच्छा, युवाओं को रोजगार तो देना ही है, जब युवा ज्यादा हो गए तो सरकारी नौकरी ना देके प्राइवेट कर दे, फिर हम सरकार भी प्राइवेट चुन लेते हैं, सरकार क्या करेगी फिर? जी सरकार भी ठीक चल रही है, सरकार क्या करेगी मतलब, जब युवा सारा काम प्राइवेट हो गया जी, युवा ज्यादा आप शुगर मिल प्राइवेट चलाएंगे, वो प्राइवेट रेल चला लेंगे, प्राइवेट जहाज उड़ेगा, प्राइवेट अस्पताल हो गए, शिक्षा प्राइवेट होगी, स्कूल प्राइवेट हो गए, सारे कॉलेज भी प्राइवेट हो गए, तो सरकार भी प्राइवेट बना लेते हैं, सब सरकारी नौकरी थोड़ी मिल पाओगे? सरकारी नौकरी इतनी थोड़ी है जो सभी मिल जाएगी, तो प्राइवेट भी नौकरी करनी पड़ेगी। तो खुश एकदम, परफेक्ट मिलेगी तभी तो, जब भर्ती काट मिली मिली कार्ड काट गई, कैंसिल करने लग रही सरकार, कहां से मिलेगी नौकरी? नहीं मिली तुमको नौकरी? नौकरी में जब तो मिलेगी जब हम उस लायक होंगे। लायक नहीं हो तुम नौकरी? लायक हूँ, लेकिन वैकेंसी निकलेगी भर्ती तभी तो फॉर्म डाले। पढ़ाई वढ़ाई क्या किया आपने? पढ़ाई तो अभी ग्रेजुएशन की हुई है, उसके बाद में भी एमए करेंगे। एमए करने वाले हैं? तो अभी कोई फॉर्म वॉर्म भरा है एसएससी वगैरह का, जो यूपी के कुछ कुछ एग्जाम आते हैं? यूपी पुलिस का डाला था, उसमें रह गया था मैं पीछे जी 2-4-5 नंबरों से। अभी ये क्या नाम पीजीटी का कौन सा एग्जाम लीक हुआ है? लीक कैसे हुआ? यूपी टेट का कैसे लीक हुआ है? सरकार की वजह से ही तो लीक हुआ है, ऐसे एग्जाम कैसे लीक हो सकता है? नहीं तो और पेपर वाले दिन ही एग्जाम, पेपर वाले दिन ही एग्जाम जो है कैंसिल कर दिया सरकार ने, क्यों किया? तो योगी सरकार रोजगार के मसले पे खरी नहीं उतरी? रोजगार के मसले पे कैसे खरी उतरी बताओ? पीछे जब सरकार बन रही थी उस टाइम पे क्या नाम 2 लाख परिवार के हिसाब से नौकरी निकलनी थी, कहाँ गई वे? निकली अब तक? युवाओं को नौकरी से ज्यादा ये नहीं चाहिए कि चीन को सबक सिखा दिया, पाकिस्तान को सबक सिखा दिया? बिल्कुल चाहिए नौकरी चाहिए कि चीन पाकिस्तान चाहिए? चीन पाकिस्तान तो वो क्या नाम वो भी चाहिए, अपनी सीमा जो है जाता है अपनी वहां तक तो होना ही चाहिए अपना। वो तो कह रहे ना हम सर्जिकल स्ट्राइक करके आए पाकिस्तान पे जाके, लड़ाई कर ली, स्ट्राइक करके आए हैं, चलो चढ़ाई करके आए हैं वहां पे, लेकिन प्रॉपर तो दिखाई नहीं दिया वहां पे। कुछ बंदे कह रहे हैं कि भाई अगर सर्जिकल स्ट्राइक हुई है वहां पे तो क्या नाम कुछ लाश वगैरह तो मिलनी चाहिए थी वहाँ पे, दिखाई दिया कोई से न्यूज पे कि भाई लाश वगैरह नहीं है, कहाँ गई? या फिर कहीं ऐसे ही बंजर जमीन में गोला बारूद वेस्ट करके आए हैं? वो तो कई लोगों ने आरोप लगाया, खैर सेना ने काम किया तो हम सेना का सम्मान करते हैं, उन्होंने कह दिया तो हमने मान लिया, लेकिन लेकिन आप जैसे जो नौजवान हैं जो फेसबुक व्हाट्सएप चलाते हैं सुबह शाम देखते हैं, है ना, हिंदू मुसलमान चीन पाकिस्तान, तो चुनाव में आप लोगों को रोजी रोटी याद रहेगी कि ये सब बाकी फालतू के मसले याद रहेंगे? चुनाव में तो पहली बात तो रोजी रोटी है, रोजी रोटी याद ही नहीं रहेगी तो पहली बात फालतू की क्या बात याद रखेंगे? जब रोजी रोटी नहीं मिलेगी हमें, हम तो बगैर उसके तो मरी जाएंगे रोजी रोटी के, आगे क्या याद रखेंगे फिर? तो ये मेन मुद्दा तो बड़ी बात है, रोजी रोटी का मसला है। और यहाँ पर जो लोग हैं मिक्स राय है सबकी, बहुत सारे लोगों को जयंत चौधरी पसंद हैं, तो एक भाई साहब है जिन्हें योगी अच्छे लगते हैं क्योंकि उनको लगता है कि उनके राज में कानून व्यवस्था सुधरी है, हालांकि एनसीआरबी का जो डेटा है वो इस बात की तस्दीक करता है कि अपराध बढ़ा है। लेकिन सबके अपने मत होते हैं, सबके मतों का सम्मान होना चाहिए, जब आप ईवीएम का बटन दबाएँ तो अपने मुद्दों के हिसाब से चुनें। ये जो रिपोर्ट है हम आपको बड़ौत विधानसभा सीट के लडवानी गांव से दिखा रहे हैं, और यहां पर जो राय लोगों ने व्यक्त की है उस पर आपका क्या सोचना है, क्या आप मानते हैं कमेंट में लिखें, और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। मेरा नाम सुमित चौहान है और इस वीडियो को बनाने में मेरी मदद कर रहे हैं मेरे सहयोगी मोहित कुमार। अगले वीडियो में मिलते हैं साथियों।